गमक बजाने से गीतों का, सुरों का, रागों का मिठास बढ़ जाता है। आइए इस वीडियो में हम सीखेंगे गमक कैसे बजाते हैं फ्लूट में। प्रणाम, मैं हूं प्रदीप, स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल प्रदीप कुमार फाइक द म्यूजिक पर, जहां पर मिलता है म्यूजिक रिलेटेड कई सारे लर्निंग वीडियो, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। हाँ दोस्तों, अगर आप म्यूजिक में रुचि रखते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, संगीत सीखना चाहते हैं, बंसी वादन शिक्षा करना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाना सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और साइड में है बेल आइकन, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बंसी में गमक कैसे बजाते हैं। देखिए दोस्तों, गमक क्या होता है, आपको एक दिखा दे रहा हूं इसका एग्जाम्पल। ये आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं फ्लूट ले आया हूं, एफ के लोअर ऑक्टेव के। दोस्तों देखिए, मैं वही प्लेन नोट बजा रहा हूँ, वही नोट बजा रहा हूँ, जैसे कि ये है पाधा सारेगा। दोस्तों ये हम गमक सीखने के लिए आज का हम रिफर करेंगे राग भोपाली के स्वरों को। पहले जानते हैं गमक क्या होता है। देखिए राग भोपाली स्वरों पे सारेगा पाधा सा। पाधा सारे गा बज रहा है, ये प्लेन बज रहा है। इस पाधा सारे गा को हम मिठास लाने के लिए हम गमक का प्रयोग करेंगे। पाधा सारेगा जो पेन, पाधा सारेगा नोट लग रहा है, लेकिन इसमें हम गमक का यूज कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज आप
नोट कर रहे होंगे, पा धा पा धा सा रे गा, पा जब बजा रहे हैं, पा प्लेन पा नहीं बजा रहे हैं, धा से लेके पा बजा रहे हैं, सा से लेके धा बजा रहे हैं, रे से लेके सा बजा रहे हैं, गा से लेके रे बजा रहे हैं, ऐसे बजा रहे हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, गमक बजाने में एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर हम अब पा बजा रहे हैं, पा सुनाई देना चाहिए, पा को ज्यादा ध्यान देंगे, इसका मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये गमक नहीं है, पा धा सा रे गा, जस्ट थोड़ा सा खाली धा को, धा से पा को छूना है। इसका मतलब क्या है गमक? मतलब गमक मतलब मेनली आपको प्रैक्टिकली भाषा में आपको बताऊं, ये घसीट है। घसीट मतलब एक सुर से दूसरे सुर को जाना। जैसे देखिए, मैं पा पा बजा रहा हूं, पा बजा रहा हूं, लेकिन धा से लिख रहा हूं पा को, ये धा बजा रहा हूं, लेकिन सा से घसीट के धा को जा रहा हूं। और एक बार ध्यान दीजिए, ऐसे अगर कर रहा हूं, ये गमक नहीं होगा, ये होगा मेंड। गमक क्या होता है? स्पीडली बजता है, और मेंड धीरे धीरे बजता है। यह है मेंड, यह है गमक। दोस्तों देखिए, आप राग बजा रहे हैं या बॉलीवुड गाना बजा रहे हैं, गमक मीन कर्ण खटका मूर्ति, इसका प्रयोग करने से, इसका यूज करने से गाना का मिठास बढ़ेगा, आपका गाने में, आपका गाना बजाने में स्वीटनेस बढ़ेगा, इसलिए हम गमक प्रैक्टिस करेंगे। गमक इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे? देखिए दोस्तों, गमक बजाने में दो चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो फिंगर, नंबर टू है टोंगिंग, ठू 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 करके बजाना है। देखिए ये, जो भी है, जो अलंकार को जब बजा रहे हैं, इसको हम स्ट्रोकिंग करके बजाएंगे। स्ट्रोक कहां से लगाएंगे? टोंग से, जीभ से, जिह्वा से हम स्ट्रोकिंग लगाएंगे। ये रहा मेन पॉइंट, फिंगर और स्ट्रोकिंग, टोंगिंग से। इसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे गमक के साथ। देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने के लिए गमक की हम इसको ताल में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे ताल ज्ञान भी बढ़ेगा, इसलिए ताल का रिफर करता हूं। और ताल कहां से मिलेगा? आपके मोबाइल में जाइए, वहां पर मिलेगा प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में है ताल माला या बीट बॉक्स, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, उसमें से तालों का एप्लीकेशन रहता है, उसे आप इंस्टॉल करके उसमें तीन ताल बजा के 100 BPM रखेंगे, 100 BPM में आप प्रैक्टिस करेंगे गमक। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे स्लोली। एक सुर में
एक बीट में एक स्वर, एक गमक। गमक थोड़ा स्पीड बजाया जाता है। और एक बात ध्यान दीजिए, दोस्तों, गमक ये स्पीड बजता है, मीन स्लोली बजता है। और गमक और मीन में ये डिफरेंस है, गमक ऊपर स्वर से नीचे स्वर को आता है। जैसे सा बजा रहे हैं, रेसा रेसा हम बजाएंगे, रेसा 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 गा रे गा रे गा रे गा, ऐसे बजाएंगे। प्रैक्टिस करते हैं एक बीट में एक स्वर। रे को टच करके सा ला रहा हूं, रे थोड़ा सा टच हो रहा है, सा 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 रे 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 रे। देखिए दोस्तों, गमक को बारीकी से बजाना है, बारीकी से बजाते हैं। अगर हम सा को, सा की गमक को हम रे से सा को लाते हैं, इसका मतलब नहीं है रेसा 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 रेसा, ऐसा नहीं है। सा 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 ही बजाना है, खाली रे को टच करके लाना है। गमक का मतलब है ये है, गमक थोड़ा स्पीड बजता है। एक बीट में हम स्पीड कैसे प्रैक्टिस करेंगे, एक बीट में दो स्वर लगाते हैं। दोस्तों मैं इसका पहले से भी वीडियो दे रहा हूं, एक बीट में एक स्वर, एक बीट में दो स्वर, एक बीट में चार स्वर, ऐसे बता रहा हूं। पहले आप प्लेन अलंकार प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद गमक प्रैक्टिस कीजिए। एक बीट में आप दो स्वर देखते हैं, राग भोपाल के स्वरों से। एक बीट में 400 देखते हैं। एक बीट में 400 प्रैक्टिस करने से सब होगा दोस्तों। ये गमक, ये था आपको गमक का स्टाइल बताया, हम गमक को कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको आप बता रहा हूं। देखो ऐसे एक स्वर को 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट बजाइए, ज्यादा बजाने से आप बोर हो जाएंगे। सा 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 ऐसे बजाइए, सा 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 रे 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 रे। एक एक स्वर का एक गमक बता रहा हूं। अब जब इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, दो दो स्वर, तीन तीन स्वर का गमक बजाएंगे। देखिए कैसे,
दोस्तों आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। ये है गमक। पहले आप एक एक स्वर का गमक प्रैक्टिस कीजिए। ये गमक कोई सहज बात नहीं है जो एक ही वीडियो में देख के, एक ही वीडियो में आपको बता के खत्म कर लूँ। दोस्तों संगीत समुद्र है। गमक आपको खाली ये हिंट्स दे दिया, आपको ज्यादा बताएंगे, आपको ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बीट में एक स्वर, दो स्वर, चार स्वर, इसका प्रैक्टिस कीजिए। एक एक स्वर का गमक प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम मल्टीपल स्वरों का गमक प्रैक्टिस करेंगे, इसका वीडियो मैं दूंगा और एक दूसरा वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मुझे विदा दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरा एक वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।